अगर आप भी वाईफाई एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड धारक है और अपनी जेब में लेकर कार्ड घूमते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब साइबर ठग पॉस मशीन लेकर घूम रहे हैं। जी हाँ, ये वही मशीन है जो आपको अधिकतर मॉल या फिर दुकानों पर देखने को मिलती है, जिसमें जिसके ऊपर आप अपना कार्ड रखते हैं और पेमेंट हो जाता है। दरअसल इस मशीन को लेकर अब शातिर साइबर ठग घूम रहे हैं। शातिर कब आपके पॉकेट में सटाकर आपके खाते से पैसे की निकासी कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही गिरोह का भंडाफोड़ कोतवाली थाने की पुलिस ने बुधवार को की है। गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार आरोपितों में गया के टनकुप्पा थाना के महियारपुर गांव निवासी 12वीं छात्र राजीव रंजन कुमार, 21 वर्षीय छात्र उज्जवल राज, 23 वर्षीय अभिमन्यु कुमार और 26 वर्षीय राजवीर राज शामिल है। 3 पेटीएम इन लोगों के पास से 3 पेटीएम पॉस मशीन, 4 स्मार्ट मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल और 1 एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। इस गिरोह की जानकारी तब हुई जब बिहार की पुलिस ही इनका शिकार बन गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बिहार पुलिस के आरके यादव नामक सिपाही के खाते से शातिरों ने 15,000 रुपए उड़ा लिए थे। इस घटना के बाद जब सिपाही ने मैसेज का समय देखा तो पता चला कि उस वक्त वह मंदिर में पूजा कर रहे थे। सीसीटीवी को देखा गया, तब जाकर पता चला कि 2 शख्सों ने उनके पॉकेट पर पॉस मशीन को सटाया और 4 बार में 15,000 रुपए से अधिक की निकासी कर ली। आरोपितों की पहचान के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी और सादे लिबास में वहां पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। बुधवार को फिर से गिरोह के सदस्य मंदिर पहुंचे। मौका देखते ही पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। भीड़ भाड़ वाले एरिया को ये गिरोह टारगेट करते थे। गिरोह के शातिर पटना के विभिन्न भीड़ भाड़ वाले एरिया को टारगेट करते थे। मिली जानकारी के अनुसार महावीर मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, टिकट काउंटर आदि जगहों पर जाकर POS मशीन को एक्टिव कर देते थे। इसके बाद उसे लोगों के पॉकेट में सटा देते थे। जिनका वाईफाई कार्ड रहा वह उनका 5,000 रुपये तक खाता से कट जाता था। ऐसा करके एक व्यक्ति के खाते से कई बार पैसे की निकासी कर लेते थे। मोबाइल की तरह पॉस मशीन पर लेदर कवर लगाए रहते हैं जिससे लोगों को शक न हो। इसमें आश्चर्यजनक बात यह है कि इस गिरोह में लड़की को भी शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि इस गिरोह में 1 दर्जन से अधिक शातिर शामिल है और सभी के सभी गया के हैं। यही नहीं, गिरोह के मास्टरमाइंड ने लड़की को भी इसमें शामिल कर रखा है। लड़की महिलाओं और लड़कियों को टारगेट करती थी, उनके पर्स में सटाकर खाते से पैसे निकासी कर लेती थी। पुलिस बाकी के शातिरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि पकड़ाए व्यक्ति बैंक में गलत गलत नाम से जाली खाता खुलवाए हुए है जो उनके पेटीएम पॉस मशीन से लिंक होता है। निकासी के समय उसी के खाता में रुपये ट्रांसफर करते हैं ताकि वे पकड़े न जाए। आरोपितों ने बताया कि पूरा गांव इस धंधे में संलिप्त है। पुलिस के पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए आरोपितों के द्वारा। इस संबंध में थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी जिस गांव से हैं वहां 90% लोग यही धंधा कर रहे हैं। यही नहीं, इसके आसपास के गाँव के युवक और युवतियाँ भी इसी धंधे में शामिल की गई हैं। पूरा गांव साइबर ठगी कर ही अपना जीवन यापन कर रहा है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि 4 को रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई है। वहीं आपको बता दें कि आरोपितों से जब पूछताछ की गई तो उसमें ये बातें भी सामने आई कि उन लोगों ने ये जो जरिया है वो YouTube देखकर अपनाया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो किस तरीके से सोशल मीडिया आजकल बच्चों को या फिर जो कह सकते हैं यूथ जनरेशन को इफेक्ट कर रही है, इसी से पता चलता है। और आप सावधानी जरूर बरतें, अपने कार्ड को अगर आप रखते हैं तो उसे सिक्योर जगह पर रखें ताकि आपके साथ ऐसी अप्रिय घटना ना हो। पटना से अनुप्रकाश की रिपोर्ट सिर्फ द HD न्यूज पर। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।
अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग सेशन, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर द प्रयास इंडिया.com पर विजिट करें।